आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। पाकिस्तान में महंगाई काफ़ी बढ़ चुकी है और लोगों के पास गैर जरूरी सामान खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन इन सबके बीच सोने की मांग में तेज उछाल देखने को मिल रहा है और कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है। दरअसल बाजार पर नजर रखने वालों के बीच अर्थव्यवस्था के क्रैश होने की आशंका बढ़ गई है। इसी वजह से निवेशकों का अब पूरा भरोसा सोने पर ही टिका हुआ है। पाकिस्तान में सोना अब तक के नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को लेकर अनिश्चितता बढ़ती जा रही है और इसी वजह से निवेशक मंदी के दौरान सुरक्षित माने जाने वाले सोने में जमकर निवेश कर रहे हैं। कोरोना के समय में पूरी दुनिया में यही ट्रेंड देखने को मिला था, जब महामारी के दौरान अर्थव्यवस्थाओं में मंदी के बीच सोना रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था। अब यही ट्रेंड पाकिस्तान में भी देखने को मिल रहा है। वहीं बता दें कि पाकिस्तान में 24 कैरेट सोना 2000 रुपये प्रति तोले की बढ़त के साथ 1,48,300 पाकिस्तानी रुपए के स्तर पर पहुंच गया है। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,27,143 पाकिस्तानी रुपए हो गई है। 26 जुलाई 2021 को एक तोला सोना यानी 11 ग्राम सोना 1,09,850 रुपए के स्तर पर था, यानी एक साल के दौरान पाकिस्तान में सोने की कीमत 35% बढ़ी है। वहीं रिपोर्ट में बाजार के जानकारों के हवाले से लिखा गया है कि पाकिस्तानी रुपए में कमजोरी और अर्थव्यवस्था को लेकर नए जोखिम सामने आने से निवेशकों के बीच में चिंताएं बढ़ गई हैं और सोने की मांग भी बढ़ी है। हालांकि रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि ये मांग निवेश मांग ही है। रिपोर्ट के मुताबिक आम लोगों की तरफ से खरीद घट चुकी है, क्योंकि अर्थव्यवस्था पर असर और महंगे होते सोने की वजह से उनकी खरीद क्षमता पर बुरा असर पड़ा है। यानी फिलहाल सोने की खरीद आने वाले संकट से बचने के लिए ही हो रही है। बाजार को आशंका है कि आगे रुपए में और गिरावट आ सकती है। इसी वजह से अधिकांश निवेशक अपना निवेशक दूसरे विकल्पों से निकाल कर सोने में लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।